गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, वेलकम टू क्लास। कंटिन्यू चैप्टर 5। टुडेज यू आर सॉल्व एक्सरसाइज 5B। डिवीजन मींस इक्वल शेयरिंग। नाउ स्टार्ट द एक्सरसाइज 5B। आपको इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड करना है। ओके, नाउ राइट डाउन अ डिवीजन फैक्ट। कंप्लीट द डिवीजन फैक्ट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। इस डिवीजन फैक्ट के अकॉर्डिंग आपको डिवाइड करना है। ओके, सो 14 डिवाइडेड 2। नाउ 2 टेबल लर्निंग। काउंट हाउ मेनी टाइम्स 14 कम। 2 सेवन्स आर 14। नाउ 7 टाइम्स कम 14, सो आंसर 7। ओके चिल्ड्रेन, नाउ टोटल आइटम टोटल स्टार्स 14। ओके, डिवाइडेड इन अ टू ग्रुप्स, ईच ग्रुप्स 7 स्टार्स। देखिए टोटल आपके 14 स्टार्स हैं, डिवाइड करना है टू ग्रुप्स में, ईच ग्रुप्स में 7 स्टार होंगे। नाउ डिवाइड द टू ग्रुप्स। फर्स्ट रो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ओके, फर्स्ट रो में 7 एंड सेकेंड रो में 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। लिसन चिल्ड्रेन, पिक्चर नीट एंड क्लीन बनाकर आप सही से कलर से डिवाइड करेंगे। जैसे मैंने देखिए टू ग्रुप्स में डिवाइड किया है ना, साफ साफ आपको कलर से दिख रहा है कि टू रो है, वन रो में 7, सेकेंड रो में 7। ओके चिल्ड्रेन, नाउ कंप्लीट ए नंबर क्वेश्चन। नाउ बी नंबर क्वेश्चन, सी डिवीजन फैक्ट। 12 डिवाइडेड 3, यानी टोटल बॉल्स हैं 12 एंड डिवाइड इन 3 ग्रुप्स। ओके, आपको 3 ग्रुप्स में डिवाइड करना है। ओके, अब ईच ग्रुप्स हाउ मैनी बॉल्स, 4 बॉल्स। वाई 3 नंबर टेबल लर्निंग। काउंट द टेबल, 12 हाउ मैनी टाइम्स कम, 3 4 12, सो आंसर 4। क्लियर चिल्ड्रेन, ईच रो 4 बॉल्स, यानी 3 रो बनेगी, हर एक रो में 4 बॉल्स होगी चिल्ड्रेन। क्लियर, देखिए ये आपकी 12 बॉल है, मैंने 3 रो में डिवाइड किया है ना, ईच रो में 1, 2, 3, 4, 4 बॉल है, हर रो में इक्वल बॉल्स होंगी। सो 1 रो 4 बॉल्स, सेकेंड रो 4 बॉल, थर्ड रो 4 बॉल। क्लियर चिल्ड्रेन, कलर से अच्छे से सब लोग डिवाइड करेंगे। ओके, जो कलर आपके पास हो उससे यूज़ करके सही से इक्वल शेयरिंग करना। ये नहीं कि किसी में 4 किसी में 3, ऐसे नहीं, इक्वल पार्ट। अगर आपकी फर्स्ट रो में 4 बॉल है, सेकंड में 4, थर्ड में 4, इक्वल शेयरिंग होना, क्योंकि डिवीजन मींस होता है इक्वल शेयरिंग। ओके, नाउ सी नंबर क्वेश्चन, 10 डिवाइडेड 5। सो 5 ग्रुप्स डिवाइड करना है। आइटम कितने हैं, 10। ओके, 10 आइटम्स हैं, 5 ग्रुप में डिवाइड करना है। एवरीवन लर्न द 5 नंबर टेबल, 5 2 10। नाउ 10 2 टाइम्स में आता है, सो आंसर आ रहा 2। ओके, अब यानी हर रो में 5 रो में डिवाइड होगा, हर रो में कितने आइटम्स होंगे, 2, क्योंकि हमारा आंसर क्या आ रहा है, 2। जितना आंसर आ रहा उतना हर रो में आइटम होगा। ओके, अब देखिए हम इसको जग को 5 रो में डिवाइड कर रहे हैं, हर रो में 2 जग ना, 1 रो में 2, 3 सेकेंड रो में 2, थर्ड रो में 2, फोर्थ रो में 2 एंड 5 रो में 2। हमने जग को 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया, हर रो में 2 2 जग्स। ओके, क्लियर, नाउ डिवीजन फैक्ट इज क्लियर। 10 डिवाइडेड 5, आंसर 2। ओके, नाउ डी नंबर क्वेश्चन सी, 12 डिवाइडेड 4, यानी 12 एप्पल्स हैं, आपको डिवाइड करना है 4 ग्रुप्स में। अब 4 की टेबल आपको लर्न है, हाउ मैनी टाइम्स कम 12, 4 3 12 ना, सो आंसर इज 3। अब हमें क्या करना है, 4 ग्रुप्स में डिवाइड करना है, हर ग्रुप में कितने आइटम्स होंगे, 3 ना, सो 3 3 एप्पल्स डिवाइडेड इन अ 4 ग्रुप्स। देखिए मैंने इसको 4 ग्रुप में डिवाइड किया है, 1 2 3 4, और हर ग्रुप में इक्वल है ना, फर्स्ट में 3, सेकेंड में 3, थर्ड में 3
एंड फोर्थ में थे. ओके, टोटल 12 एप्पल थे, फोर रो में डिवाइड हुआ, ईच रो 3 एप्पल्स. क्लियर चिल्ड्रेन? एवरीवन अंडरस्टैंड डिवीजन फैक्ट? डिवीजन मीन्स इक्वल शेयरिंग, किसी भी चीज़ को बराबर पार्ट्स में पाटना. अगर टू चिल्ड्रेंस है, 3 चिल्ड्रेंस है, 12 बॉल है, तो हर एक चिल्ड्रेन को 4-4 बॉल मिलेगी. अंडरस्टैंड? क्लियर? इक्वल शेयरिंग. आप इसको अच्छे से ड्रॉ करके एकदम नीट एंड क्लीन वर्क कीजिएगा चिल्ड्रेन. आप लोग बहुत ही गंदा वर्क करते हैं, इसलिए खूब अच्छे से ड्रॉ करके इक्वल मुझे इक्वल शेयरिंग करके दिखाइए. कोई कम ज़्यादा नहीं करेगा. अंडरस्टैंड? जिसका भी वर्क गंदा होगा मैं उसे पुआ दूंगी. ओके, नाउ टुडेज होमवर्क. ये तो हमारा इस एक्सरसाइज का 1 नंबर क्वेश्चन हुआ. होमवर्क में 2 नंबर क्वेश्चन. एवरीवन सी एक्सरसाइज 5B क्वेश्चन नंबर 2, मैचिंग. इसमें आपको डिवीजन फैक्ट दिया है, उसका आंसर आपको करना है. सामने सामने करेक्ट आंसर लिखिएगा, पेज नंबर 105. ये सबको कॉपी में होमवर्क में करना है. ओके, वेरी इजी होमवर्क. एवरीवन डन इट, कॉपी. क्लियर? थैंक यू.